एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून, समझिए अभी 3 बज रहा है और सुबह का सारा काम मेरा हो गया था। मैंने रेस्ट वगैरह नहीं किया, 5-10 मिनट मैंने रेस्ट किया है खाना वाना खाने के बाद। तो क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आज का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि मैं रुक ही नहीं पा रही थी। मुझे लगा नहीं पहले मुझे आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना है, तो बस मैंने कहा चलो पहले फ़ोन उठा लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद अपना वीडियो स्टार्ट करूँगी। कि मैंने मावा, कई लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने मावा किसी स्पेशल चीज़ के लिए निकाला है, तो बस वही आज मैं करने जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम बनाऊँगी, अभी तक मैंने कभी नहीं बनाया, आज फर्स्ट टाइम ही मैं बनाने जा रही हूँ। कैसी बनेगी कैसा नहीं बनेगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बस मैं उठा ली हूँ फ़ोन, आप लोगों को दिखाऊंगी, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे किचन की तरफ और जो भी मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो बनाऊंगी। और प्लीज़ जिसको जिसको आती हो वो रेसिपी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मैंने ठीक बनाई है कि नहीं। बाकी तो मैं रेसिपी बनाते टाइम पे आप लोगों से बातें करूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम किचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लूँगी अपनी चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा गैस पे, इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ी कटोरी भर के चीनी और 1.5 कटोरी इसमें मैं डालूँगी पानी। और चीनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो फिर मैंने 1/2 कटोरी चीनी और डाल दी थी, मींस मैंने डाला इसमें 1.5 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी ही पानी डाला है मैंने इसमें। ये देखिए मैंने 1/2 कटोरी करीब चीनी और डाल दी थी। तो इसको मुझे बस गैस की फ्लेम को मैं ऑन करूँगी और मुझे चीनी को बस, चाशनी बहुत ज़्यादा ना तो 1 तार की ना तो 2 तार की चाशनी बनानी है, मुझे सिर्फ इतनी बनानी है कि बस चीनी मेल्ट हो जाए और एक उबाल ले लूँगी। अभी मैंने डाल दी यहाँ पर कुटी हुई इलायची पाउडर डाल दिया कुटा हुआ, और ये डाला मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, और थोड़ा सा ही डाला है, इतना ही कलर जो है वो पर्याप्त हो गया था। तो बस अब मुझे अपनी चाशनी को अच्छे से, जो चीनी है वो मेल्ट करनी है और बस एक उबाल ले लेना है और जो हमारी चाशनी है वो बनकर हो जाएगी रेडी। तो यहाँ पर देखिए चीनी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी घुल गई है, बस इसका जो उबाल भी है वो भी आने लगा है। तो उबाल ले लूँगी एक अच्छा सा उबाल और मैं फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको बंद कर दूँगी गैस को। तो देखिए चाशनी अच्छे से उबल रही है और मैंने कर दिया है गैस बंद, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरी गैस में। मैंने यहाँ पर रख ली है गैस में एक कढ़ाई, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच करीब घी, बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है, थोड़ा सा ही घी डाला है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इसमें बादाम को हैं जो वो फ्राई करने हैं, अगर आपके पास काजू और पिस्ता वगैरह भी हो तो वो आप ले सकते हैं, बट मेरे पास था नहीं और मैं इस टाइम बना रही थी तो सारी शॉप्स भी जो थी वो बंद थी। तो बस मुझे जो बादाम को अपने क्रंची होने तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया है, बिल्कुल भी फ्लेम को तेज़ नहीं किया था। और इसको अच्छे से देखिए मेरे जो मेरे बादाम हैं वो फ्राई हो चुके हैं, आप अपने मन चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या इसकी भी कर सकते हैं। तो उसी सेम कढ़ाई में मैं अब डाल रही हूँ थोड़ा ज़्यादा सा देसी घी, आपने देखा थोड़ा ज़्यादा मैं डाल रही हूँ, अभी भी मुझे घी जो है वो कम लग रहा था तो मैं घी थोड़ा सा और डाल रही हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा भी और डालूँगी। तो ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ और बस घी को मेल्ट हो जाने दूँगी। गैस की फ्लेम अभी फ़िलहाल के लिए मैंने तेज़ की हुई है, बाकी मुझे गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखना है। तो यहाँ पर मैंने ये ली है सेवई, तो जी हाँ मैं बनाने जा रही हूँ, अब आप लोग जान गए होंगे जो लोग बना लेते होंगे, तो मैं बनाने जा रही हूँ आज किमामी सेवई, जो सूखी सेवई होती हैं वो। तो बस यहाँ पर जो मेरी सारी सेवई हैं वो मैं डाल दूँगी। मैंने ली थी एक, मैंने पैकेट वाली सेवई ली थी, मेरे पास 2 पैकेट थे जिसमें कि 125 ग्राम के पैकेट थे, यानी कि 250 ग्राम सेवई थी। तो ये आप एक स्पैचुला से नहीं कंट्रोल होती, तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 स्पैचुला इसको चलाने के लिए। वैसे तो ये रोस्ट की हुई आती हैं भुनी हुई, बट केवल हमें इसमें जो घी है उसका फ्लेवर अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए मैंने देखिए इसको एकदम लाल होने तक और फ्राई कर लिया है। जो घी है ना इसमें, चाहो तो आप बिना फ्राई किए ही यूज कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी से रोस्ट आती है, बट मैंने इसको फिर भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ जो मैंने चाशनी बनाकर रखी थी, वो थोड़ी थोड़ी डाल रही थी, एक साथ पूरी चाशनी मैंने नहीं डाली थी क्योंकि पहली बार बना रही थी, थोड़ा सा मन में डर था कहीं ख़राब ना हो जाए, बट जितनी चाशनी मैंने बनाई थी बिल्कुल परफेक्ट चाशनी थी। देखिए मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी जो चाशनी है वो इसमें डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स करके बस ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी।
क्योंकि थोड़ा सा अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी, बहुत देर नहीं रखूँगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट बाद मैं फिर से इसको ओपन कर रही हूँ, तो ये काफ़ी हद तक जो इसकी चाशनी है वो जो सेवई है वो एब्जॉर्ब कर चुकी हैं, पक चुकी है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके भी 2 मिनट के लिए मैं और ढकूंगी। उससे पहले मैंने जो ड्राई बादाम जो मैंने भुने थे वो आधे ज़्यादा मैंने बादाम डाल दिए, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ रही हूँ। तो फिर से अभी मैं इसको 2 मिनट के लिए ढकूंगी, थोड़ा सा जो भी इसमें कसर है वो भी सही हो जाएगी। तो देखिए अब जो चाशनी है एकदम अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुकी है, और देखिए घी छोड़ दिया है सेवई ने। तो बस मेरी जो सेवई है बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब ये है लास्ट स्टेप जिसके लिए मैं परेशान थी। जी हाँ, मावा, बिना मावा के ये नहीं अच्छी लगती। देखिए मैंने एक मोटी मोटी सी लेयर मावा की इसमें लगा दी है, गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। इसको ढक के मैं छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए, क्योंकि सेवई गर्म है तो मावा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो बस ये देखिए मावा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, मैं इसको मिक्स कर दे रही हूँ, और लग रही है ना सेवई एकदम यम्मी, और वाकई में सच में बहुत टेस्टी सेवई बनी थी। मेरा तो अभी देखकर मन हो रहा है कि मैं खा लूँ, बट क्या करूँ, ख़त्म हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी सेवई लग रही थी, और जितना आप इनको रख के खाओगे ना, ये मुझे उतनी ही अच्छी लग रही थी। जब मैंने नेक्स्ट डे खाई थी मुझे और अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पर देखिए जो मेरी सेवईयाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं, मैं फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेती। तो देखिए येलो येलो प्लेट में और ऑरेंज कलर की सेवईयाँ कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत टेस्टी बनी थी। और सच में बताइएगा इसमें क्या कमी है, अगर कोई कमी है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, और या मैं इसमें और भी क्या कर सकती हूँ वो भी बताइएगा। तो बस हमारी जो सेवई हैं यम्मी यम्मी सी बनकर हो चुकी हैं रेडी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैं एकदम क्लोजअप दिखा रही हूँ पास से आप लोगों को, बहुत ही यम्मी, जितनी देखने में ये टेस्टी लग रही हैं उतनी ही खाने में भी ये टेस्टी थी। काफ़ी सारी बनी थी ये भी देखिए रखी हैं। तो बस सेवई वगैरह खाई और बहुत मज़ा आई मुझे, अच्छा लगा, मुझे अच्छी लगी। उसके बाद ये था शाम की क्लिप, शाम मीन्स करीब 7 बजा था, मैं छत में आई थी, गेहूँ वगैरह फैले थे इनको समेटने, तो यहाँ पर देखा तो ये मैडम जी देखिए कैसे उठा उठा के रख रही है, कितनी क्यूट लग रही थी। छोटी सी मुट्ठी थी, 4 दाने उसमें गेहूँ आ रहे थे, और जाके बोरी में डाल रही थी, और जब तक ये बोरी के पास पहुँच रही थी तब तक तो इसके हाथ से एक भी गेहूँ ही नहीं इसके हाथ में बच रहा था, सब गिर जा रहा था। ये देखिए तो इसी तरह से ये कर रही थी, खेल रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी इसकी शैतानियाँ दिखाई जाए, इसका मस्ती दिखाई जाए। बहुत मस्ती करती है, हम सब की जान है, बहुत सबको प्यार करती है, ये भी बहुत प्यार करती है हम सब लोगों को, और बच्चों का प्यार तो वैसे भी निस्वार्थ होता है। तो बस देखिए ये उधर जा रही थी और देखा कि चाचा हाथ धुलाए, तो वापस इनके पास आ गई, बोल रही थी मेरे भी हाथ धुलें, हाथ धुलाएँ। तो फिर ये बोले लाओ से तुम्हारे भी हाथ गंदे हैं, गेहूँ उठा रही थी, तो इन्होंने फिर इसके भी हाथ वगैरह धुलाए। पैर में हल्की सी मिट्टी वगैरह लगी थी, छत में खेल रही थी, तो इन्होंने पैर वगैरह धुलाए। और बस उसके बाद ये है आज का डिनर हमारा, पाव भाजी गर्मा गर्म। किसको किसको पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है और किसका किसका देख कर मुँह में पानी आया मुझे ज़रूर बताइएगा। पाव भाजी सैलेड है, क्योंकि पाव भाजी बिना प्याज नींबू के तो बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती है। तो बस तो फ्रेंड्स अभी रात का बज रहा है 10, और मैं अब आप लोगों से वीडियो मतलब बात कर पा रही हूँ, क्योंकि पूरा बिजी हो गई थी। शाम को छत में गई थी, मैंने दिखाया था आप लोगों को कि बिट्टो कैसे मस्ती कर रही थी, गई तो थी मैं, मैंने सोचा गेहूँ जो है वो सारे समेटने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी, बट नहीं कर पाई क्योंकि घर के हमारे पड़ोस में ही अखंड रामायण हो रही है, तो उसकी उसका बहुत ज़्यादा शोर है। मैं अगर बात करती आप लोगों से तो फिर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचती ही नहीं, तो फिर मैंने नहीं बात की, मैं नीचे आ गई। फिर नीचे जैसा कि आज आप लोगों को दिखाया कि डिनर में पाव भाजी थी, तो फिर वो सब खाया पिया करा। अभी 10 बज रहा है, 10 बजे का टाइम हो गया, मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर देती हूँ, वीडियो को अपने एंड कर देती हूँ। और इतनी गर्मी हो रही है, देखिए मेरे इतना पसीना निकल रहा है। आजकल तो चेहरे पे कुछ लगा के रखो कुछ भी लगता ही नहीं है, कुछ देर में पसीने में सब कुछ बह जाता है, और मेरा तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि मेरे तो एक भी सेकेंड के लिए कुछ नहीं रुकता है फेस पे। तो बस काम वाम करके आई हूँ, सारा सब कुछ निपट गया है, या पाव भाजी बनी थी, मज़ा आ गया आजकल डिनर करके, बहुत अच्छा लगा। और मैं पूछूंगी मेहरून दी आपसे, और एक मेरी है मेरी फ्रेंड नीलम परी, नीलम जी, नीलम परी व्लॉग्स वाली दी, नीलम जी आप, और एक दुबई वाली दी हैं आप, 3 लोग। उसके अलावा जो भी मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या मैंने की मामी सेवई अच्छी बनाई थी, या मुझसे कोई गड़बड़ हो गई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, या ऐसे ही बनती है, या कोई और भी तरीका है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मेरी इतनी फेवरेट हैं सॉरी
क्योंकि मेरी वो इतनी फेवरेट है कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने बहुत मतलब मैंने ना जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैंने बहुत पहले खाई थी, शादी के पहले जिस समय जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में भी नहीं थी, मेरा 11th 12th था तब मैंने खाई थी, तब से मैंने नहीं खाई थी। मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी खाने की, तो फाइनली मैंने बना ली और मैंने खाई भी है और अच्छी बनी है, सबको घर में अच्छी लगी है। तो अब आप लोग बताइएगा क्या मेरी ठीक बनी थी, अगर नहीं बनी थी, कोई कमी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, या इसमें और हम मैं क्या कर सकती हूँ एक्स्ट्रा, वो भी मुझे बताइएगा। तो ठीक है, चलिए आज का जो मेरा वीडियो था वो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो पार्टी अभी बाकी है, यहाँ पर मैं पी रही थी मैंगो शेक और ये पी रहे थे अपना काढ़ा। मोस्टली ठंडी चीज़ें ये अवॉइड करते क्योंकि इनको बाहर वगैरह जाना पड़ता है, बट मैं तो पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मैंगो शेक पी रही हूँ, ये काढ़ा पी रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए मैंगो शेक पीने के लिए।